नमस्कार। बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम रीतिमुक्त काव्यधारा पर अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त काव्यधारा क्या है उसको समझने के लिए पहले हम रीतिकाल पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल या दूसरे शब्दों में कहें तो 17वीं शताब्दी के साहित्य में, हिंदी साहित्य में रीतिबद्ध काव्य की ही प्रचुरता अधिक देखने को मिलती है और यह इसका विकास बहुत तेज़ गति से हुआ और बहुत ज़्यादा हमें रीतिबद्ध काव्य देखने को मिलता है। किंतु उसके समानांतर एक ऐसी काव्यधारा भी पनपी जिसने रीति के बंधन को छोड़कर अपना काव्य सृजन किया। ऐसे रीतिमुक्त कवियों में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर आदि प्रमुख हैं जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर साहित्य सृष्टि की। स्पष्ट शब्दों में कहें तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में एक ऐसी नवीन काव्य परंपरा का विकास हम देखते हैं जिसमें रीतिमुक्त काव्य परंपरा या स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा आदि उसे कई नामों से हम विद्वानों के द्वारा संबोधन के रूप में देखते हैं। इस परंपरा के कवियों ने मुख्य रूप से स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया। इस प्रकार के जो रीतिमुक्त से संपन्न कवि हैं 17वीं शताब्दी में, हम जो स्वच्छंद प्रेम के अलावा जिन्होंने अन्य साहित्य भी रचे हैं पहले हम थोड़ा सा उनको भी जिक्र कर दें। इस रीतिकाल के अंदर रीतिमुक्त के काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य भी मिलते हैं जिसमें लाल और सूदन प्रमुख हैं। तो एक वर्ग रीतिमुक्त के अंतर्गत दान लीला और मान लीला का भी मिलता है जिसमें प्रबंध काव्य आते हैं। तो एक वर्ग नीति संबंधी पद्य और सूक्तियों का भी मिलता है जिसमें वृंद, दीनदयाल, गिरि, गिरधरदास आदि आते हैं। तो इस वर्ग में, रीतिमुक्त वर्ग में ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य भक्ति पर लिखने वाले कवि हैं तो कुछ वीर रस के भी कवि हमें दिखाई देते हैं। किंतु मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में जिस रीतिमुक्त काव्यधारा के नाम से जो काव्य प्रसिद्ध है या स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से जो प्रसिद्ध है उसमें जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम का जो चित्रण अपने काव्य में किया उनके कवियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन घनानंद आलम, बोधा ठाकुर ने इस प्रकार का साहित्य सृजन किया कि उनके काव्य में भावपक्ष या हम कहें कि एक उत्कृष्ट श्रृंगारिकता का जो चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता है वह रीतिबद्ध कवियों में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इन कवियों का संबंध भी तो वैसे राज्य दरबारों से रहा है किंतु प्रेम की प्रेरणा जो इनको व्यक्तिगत रूप से मिली थी जिसमें उन्होंने राजाश्रय, समाज और धर्म सबको ठुकरा दिया, इनका जो प्रेम था ना वह कोरी रसिकता से ओतप्रोत नहीं था, वह साहस, संघर्ष और त्याग की भावना से अनुप्राणित था। रोमांसिक कथा काव्य की जो इनकी नायिकाएं हैं वह वास्तविक जीवन में भी देखने को मिलती है। नारी का व्यक्तित्व एवं सौंदर्य केवल विलासिता का साधन नहीं है अपितु वह आराधना और साधना की ऐसी वस्तु है जिस पर रीति कवियों ने अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया था। इनके काव्य में विरह वेदना बहुत अधिक मिलती है और प्रेम के जिस आदर्श रूप की प्रतिष्ठा इन्होंने अपने काव्य में की है वह बहुत प्रशंसनीय उसका प्राप्त वह उसने बहुत प्रशंसा प्राप्त की है और विद्वानों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। इस प्रकार के कवियों में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर मुख्य हैं। इनका जो परिचय है वह पूरी तरीके से अलग से हम देंगे। अभी जो हमारा विषय है वह है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत उसके काव्य की जो विशेषताएं हैं वह क्या है। रीतिमुक्त काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले तो हम इसके इन कवियों के जो काव्य का जो प्रेरणा स्रोत है वह क्या रहा है इस पर हम एक नज़र डालते हैं। इस परंपरा के कवियों ने
सामान्यतः अपनी अनुभूतियों की ही अभिव्यक्ति की है। इस क्षेत्र में इन्होंने किसी राजा के, धर्म के या समाज के बाहरी जो निर्देश हैं उसको उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। घनानंद की जो यह पंक्ति है उसी से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि लोग है लागे कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत। अर्थात लोग तो लगकर प्रयास करके कविता बनाते हैं, जबकि मुझे तो मेरी कविता या कवित ही बनाती है। स्पष्ट रूप से घनानंद के कहने का आशय यह है कि वह कविता बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपितु जो उनकी अनुभूतियां हैं उसकी प्रेरणा से स्वत ही कविता बन जाती है। और यही इस काव्य की एक प्रमुख विशेषता हम देखने को मिल सकती है। जहां अन्य जो कवि थे रीतिबद्ध में, चाहे वह केशवदास हो, चिंतामणि हो या कोई अन्य कवि, जिन्होंने प्रयास, कल्पना और चिंतन आदि के बल पर उन्होंने काव्य रचना की, सहज अनुभूति कई बार वहाँ खो जाती है, लेकिन रीति मुक्त कवियों में यह सहज अनुभूति हमें पग पग पर दिखाई पड़ती है। जहाँ ठाकुर कहते हैं कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है, मेल सो बनाए आए मेल त सभा के बीच, लोगन कविता की वो खेली करी जान हो। स्पष्ट है कि इन कवियों ने जो काव्य सृजन किया है वह पूरी तरीके से उसमें भाव पक्ष की प्रधानता है, क्योंकि इनका उद्देश्य राजा की प्रशंसा करना नहीं, कोई लक्षण ग्रंथ लिखना नहीं, कोई लक्ष्य ग्रंथ लिखना नहीं, बल्कि अलंकारों के बोझ को भी इन्होंने अपने पर से बिल्कुल हटा दिया। अपने कंधों पर अलंकारों के जो अनावश्यक बोझ था उससे भी वे बिल्कुल अलग हो गए, और उन्होंने प्रेम और भाषा के क्षेत्र में इतनी सफाई और गहराई से इसका चित्रण किया है कि समाज में इन कवियों की अधिक प्रशंसा हुई है। इनके काव्य में मूल एक शब्द कहें हम तो वह स्वांत सुखाय की प्रवृत्ति हमें अधिक दिखाई देती है, लोक संग्रह की भावना भी देखने को मिलती है। अब हम इन कवियों की जो प्रेम का जो चित्रण है स्वच्छंद या संयत उसका हम जिक्र कर रहे हैं। इन कवियों ने, जैसा पहले मैंने स्पष्ट किया कि केवल काव्य में नहीं जीवन में भी इन्होंने स्वच्छंद प्रेम या रोमांचकता की प्रधानता इनके जीवन में देखने को मिलती है। स्वच्छंद प्रेम का अर्थ यह है कि इन्होंने विशुद्ध सौंदर्य की अनुभूति से प्रेरणा पाकर ही काव्य सृजन किया, जिसमें इन्होंने जाति, समाज और धर्म के बंधन की अवहेलना की। इन्होंने तो अपनी जिन नायिकाओं से पढ़ने संबंध स्थापित किए थे वे नायिकाएं भी उस जाति की नहीं थी, अन्य धर्म या अन्य संप्रदाय की थी। और स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो घनानंद, आलम, बोधा आदि मूल रूप से तो हिंदू थे, किंतु उनकी जो प्रेयसियाँ थी, प्रेमिकाएं, वे शेख, सुजान और सुभान थी, जो मूल रूप से उनका धर्म या संप्रदाय मुस्लिम था। जहां आलम की प्रेयसी शेख थी तो घनानंद की सुजान और बोधा की सुभान थी। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त साहस और संघर्ष और त्याग का परिचय देना पड़ा था, क्योंकि एक तरफ तो समाज और मित्रों का उपहास, तो दूसरी तरफ आश्रयदाताओं का विरोध। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो काव्य सृजन किया वह बहुत ही काबिले तारीफ हिंदी साहित्य में माना गया है। जहाँ ये अपनी प्रेयसी के लिए संसार के समस्त वैभव को ठुकराते हुए दिखाई देते हैं, घनानंद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है ना वह बहुत सरल और सीधा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कपट या बनावटीपन नहीं चल सकता। वे कहते हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयान बांक नहीं, जहाँ सांस चले तजी आपन को झिज गए कपटी ते निशांक नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत सरल और सीधा है, कपटी व्यक्ति उस पर नहीं चल सकता। यही बात बोधा कहते हैं कि एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ रूप जहाँ को, जान मिले तो जान मिले, नहीं जान मिले तो जान कहाँ को। प्रेम की इसी अनन्यता के कारण इनके श्रृंगार वर्णन है वह निम्न स्तर का, या जिसको हम कह सकते हैं कि कोई छिछली कामुकता, रसिकता, इनसे ऊपर उठकर इन्होंने बहुत गंभीर प्रणय और वेदना प्रधान जो चित्रण अपने काव्य में किया है वह हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। निसंदेह जो रीतिबद्ध कवि हैं उनमें भी प्रेम की मार्मिक उक्तियाँ मिलती है, किंतु इन्होंने
जो स्वांत सुखाय से अनुभूत होकर अपना काव्य सृजन किया है वह हिंदी साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। अब इनके काव्य में हम श्रृंगार के चित्रण की चर्चा करते हैं। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का जमकर चित्रण किया है, किंतु इनकी जो मनोवृत्ति है या इनका जो मन कह सकते हैं वह ज़्यादातर विरह में या वियोग पक्ष में ही अधिक दिखाई देता है। इन्होंने प्रेम की सघनता और तरलता की अभिव्यक्ति की है, लेकिन पूरी तरीके से वियोग में। जब स्पष्ट रूप से गणानंद कहते हैं कि यह कैसो संयोग न जाने परे जो वियोग न क्यों न बिछोहत हो। वियोग, गणानंद कहते हैं कि यह कैसा संयोग है, संयोग के होते हुए भी जिसमें वियोग पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसी विरह की अनुभूति का चित्रण हमें हिंदी के अन्य काल में बहुत कम देखने को मिलता है, जहां मिलन में भी इनको इनकी विरह विषयक धारणा दिखाई देती है। इन कवियों की जो प्रेम की जो प्यास थी, ऐसा लगता है वह कभी बुझी नहीं, और इसी का यह परिणाम है कि इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई है हिंदी साहित्य में, जब वे कहते हैं समझे कविता घनानंद के ही आँखिन प्रेम की पीर तकी। यानी घनानंद की कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने प्रेम की पीड़ा को समझा हो। तो इनके काव्य में जो श्रृंगार का संयोग और वियोग जो चित्रण मिलता है, उसमें वियोग पक्ष में इन कवियों की दृष्टि अधिक अंतर्मुखी, प्रेम की अतुल गहराइयां हमें देखने को मिलती है। इसकी प्रशंसा हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षकों ने इनके इस विरह वर्णन की जमकर प्रशंसा की है। इनका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इन कवियों की प्रेम की पीर को सूफी कवियों से भी बढ़कर बताया है। अब हम इन कवियों के नारी सौंदर्य के प्रति इनके चित्रण की भावना को देखते हैं। इन कवियों ने नारी के व्यक्तित्व और सौंदर्य को बहुत ही आस्था की दृष्टि से देखा। देखिए, पूरे रीतिकाल पर हम नज़र डालते हैं, जब इसकी परिस्थितियों का हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर नारी को केवल एक विलासिता की वस्तु के रूप में समझा गया है, चाहे वह समाज है, चाहे वह कवि हैं, चाहे वह राज्य दरबार है, चाहे धर्म है। ऐसी स्थिति में नारी की जो एक दीनहीन या दयनीय दशा पूरे रीतिकाल में हम देखने को मिलती है, किंतु रीतिमुक्त कवियों पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह चित्रण बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इन्होंने नारी के व्यक्तित्व में एक ऐसी आस्था की दृष्टि देखी और उसका चित्रण करते वक्त उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म, स्वच्छ और ऐसी उदात्त रूप में नारी का चित्रण किया कि जो रीतिकाल एक प्रकार से इसको हम कई विद्वान अश्लील साहित्य, गंदी नालियों, बाहदनियों के साहित्य कहते हैं, वे यदि रीतिमुक्त काव्यधारा का अध्ययन करें तो उनकी दृष्टि बदल जाएगी। जब वे स्पष्ट रूप से ये कवि कहते हैं, मैं घनानंद की दो पंक्ति आपको उद्धृत कर रहा हूँ, जिसमें उनका जो श्रृंगार चित्रण है वह किसी भी प्रकार से हमें अश्लीलता से संपन्न दिखाई नहीं देता है, वह अनुभूतिपूर्ण शब्दों में ही हमें नजर आता है। छवि को सदन गोरों, बदन रुचिर भाल, रस निश्चित मुठू, मृदु मीठी मुस्कानी में। इन्होंने नारी के प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण और व्यापक सौंदर्य चेतना का प्रमाण दिया है। अब इन कवियों की जो नारी भावना है उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनकी प्रेमपूर्ण जो जीवन की अभिव्यक्ति है, प्रेषी के प्रति जो मधुर स्मृतियाँ हैं, वह इनके नारी के सौंदर्य चित्रण और उसके वियोग की भावना में ही हमें नजर आती है। सामाजिक परिस्थितियों की विषमता के कारण इन कवियों को जरूर जीवन में संयोग की ज़्यादा अवसर नहीं मिले और ये असफल ही रहे, किंतु यदि हम काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी प्रेम, इनका स्वच्छंद प्रेम, रोमांसिकता या विरह वेदना की अभिव्यक्ति या श्रृंगार का जो संयोग वियोग का चित्रण है उसमें अत्यंत गंभीर और मार्मिक चित्रण देखने को हमें मिलते हैं।